भोपाल से आ रही है, जहां कोविड टीकाकरण अभियान बुधवार तक राजधानी में कोविड वैक्सीन आ सकती है। जिला वैक्सीन स्टोर में भेजी जाएगी कोविड वैक्सीन। आज कोविड टीकाकरण अभियान की टास्क फोर्स की मीटिंग, टीकाकरण की लाइव मॉनिटरिंग होगी। टीकाकरण के लिए 28,385 वैक्सीनेटर्स को ट्रेनिंग दी गई है। कोविड टीकाकरण अभियान के लिए बुधवार तक राजधानी में कोविड वैक्सीन आ सकती है। जिला वैक्सीन स्टोर में कोविड वैक्सीन भेजी जाएगी। आज टीकाकरण अभियान की टास्क फोर्स की मीटिंग भी है। अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता वैभव जी हैं। वैभव, बताएं कि कोविड वैक्सीन बुधवार तक राजधानी में आने वाली है, तो इसको लेकर राजधानी में क्या क्या तैयारियां हैं? 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर टीकाकरण अभियान की शुरुआत होनी है। उससे पहले राजधानी भोपाल में बुधवार तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। क्लोल पार्क के पास वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां पर इस जो कोरोना वैक्सीन है उसको प्रिजर्व करके रखा जाएगा और वहीं से पूरे मध्य प्रदेश में इस वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। इससे पहले बैठकें भी हो चुकी हैं जेपी हॉस्पिटल में, जहां पर सीएचएमओ भी मौजूद थे, भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया भी मौजूद थे, उनके अध्यक्षता में बैठक हुई थी कि जब कोरोना वैक्सीन मध्य प्रदेश में पहुंचेगी तो किस तरीके से उसे अन्य जिलों में, अन्य संभागों में पहुंचाया जाएगा, ताकि एक साथ पूरे मध्य प्रदेश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जा सके। आज कोरोना को लेकर जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसकी बैठक भी होने जा रही है। इसमें कोरोना वैक्सीन के परिवहन, इसलिए किस तरीके से कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखना है और किस तरीके से इनको प्रशिक्षण दिया जाना है कोरोना का, जिनको टीका लगना है और जो कोरोना का टीका लगाएंगे उन वॉलंटियर्स को, उन कोरोना वॉरियर्स को, इस सब पर आज बातचीत की जाएगी। और बातचीत करने के बाद आगामी जो परिस्थिति, हम कहते हैं कि आगामी जो स्टेप होता है उसमें सरकार आगे बढ़ेगी। जी धन्यवाद वैभव जी तमाम जानकारियों के लिए। और जैसा कि कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत बुधवार तक राजधानी में कोविड वैक्सीन आ सकती है, तमाम जो वॉलंटियर्स हैं उनको ट्रेनिंग, उनके साथ लाइव मॉनिटरिंग होगी टीकाकरण की, और अभियान में टास्क फोर्स की मीटिंग भी होनी है।